हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ब्लड प्रेशर हर घर की बीमारी है। किसी भी घर पे देखो, कोई ना कोई पेशेंट जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को लगातार हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वह हमारी लाइफ स्टाइल है। अब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम एक लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम भी मानी जाती है। ब्लड प्रेशर में हमारे जो रहने सहने का ढंग है वह खराब हो गया है। हम लगातार ऑयली, स्पाइसी और ज़्यादा नमक का खाना खाते हैं, ज़्यादा फैट का इंटेक करते हैं। साथ ही साथ प्रोपोर्शनली हम उतने ही आराम पसंदीदा लोग हो गए हैं। हम लगातार आराम भी करते हैं जिससे हमारी बॉडी में चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, ज़्यादा नमक की मात्रा जाती है और वो सारे कंटेंट जो केमिकल हैं हमारी बॉडी में मिलजुल के लगातार ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हमारे जो तनाव का लेवल है, हमारी जो टेंशन है, मानसिक व्यथाएं हैं, वह इतनी बढ़ चुकी हैं कि हमारे लिए ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसके अलावा ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी कई बार फैमिली बैकग्राउंड भी हमारे लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मित्रों, कारण कोई भी हो, कई कारणों से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। लगातार बड़े ब्लड प्रेशर की वजह से हमें एलोपैथिक या कोई भी दवाइयां लगातार लेने पड़ती हैं। मित्रों, ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज है वह होता है साल्ट और हाई कोलेस्ट्रॉल। लगातार ज्यादा सोडियम की मात्रा हमारे लिए ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और साथ में लगातार बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम आपको ऐसा एक पेय पदार्थ बता रहे हैं जिसको आप सुबह के सुबह पियेंगे तो आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वह भी कम होगा। आपके लिए जो ज़्यादा नमक खाने की वजह से एक्सेस सोडियम लेने से जो उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं वह भी कम होंगे। तो मित्रों, इस पेय पदार्थ को लगातार लें और रेगुलर लें, इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होने लगेगा। लेकिन इस पेय पदार्थ को लेते समय आप लगातार अपनी वह दवाइयाँ भी लें जिन दवाइयों को आप लगातार ले रहे हैं। जब लगातार आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगे तब आपको उन दवाइयों की आदत भी छूट सकती है। तो मित्रों, हम आपके लिए अब बता रहे हैं कि इस पेय पदार्थ के लिए कौन से घरेलू इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मित्रों, अलसी के बीज हमें 1.5 चम्मच 200 ग्राम पानी में मिला के लगातार 7-8 मिनट तक उबालना है और जब वो उबला हुआ पानी शांत हो जाए, नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए तो उसके लिए 1 गिलास में साबुत अलसी के बीजों सहित पी जाना है। इसके लेने से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वह भी कंट्रोल होगा और उसमें जो बढ़ी हुई सोडियम की जो बॉडी में बढ़ी हुई मात्रा है वह भी कम होगी। लेकिन कैसे वो हम आपको बताएं। अलसी के बीजों में ऐसे कंटेंट्स पाए जाते हैं जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको LDL बोलते हैं, वह उससे घटने लगता है। साथ ही साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको HDL बोलते हैं, वह बढ़ने लगता है। मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी कमी हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर इसलिए नॉर्मल की तरफ आएगा। साथ ही साथ हमारी बॉडी में जो सोडियम हमने जो नमक के साथ लिया है वह भी नॉर्मल होगा, क्योंकि अलसी के बीजों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और यह हमारे सोडियम की मात्रा को न्यूट्रल कर देती है। इस प्रकार हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल और जो सोडियम ज़्यादा लेने से, नमक ज़्यादा खाने से हुआ साइड इफेक्ट है वह दोनों ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें अलसी के बीजों को लेने से उसमें मौजूद विटामिन ई की भी मात्रा अच्छी मिलेगी, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे जिससे हमारी बॉडी फिट रहेगी, स्किन में ग्लो आएगा, चमक आएगी और हम अलसी के फायदों के साथ अपने ब्लड प्रेशर को घटा लेंगे। मित्रों, इस पेय पदार्थ को लगातार लें और इसके उपयोग करने से अपनी ब्लड प्रेशर की गोलियों को बाय बाय भी कर दें। मित्रों, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आएगा,
हम अपनी जो पुरानी रूटीन वाली एलोपैथिक या कोई भी एलोपैथियों के लेने वाली जो ब्लड प्रेशर की दवाई है उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं और एक समय बाद आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसको लगातार ले सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर अत्यधिक ज़्यादा है वह इस पेय पदार्थ को सुबह और शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं। मित्रों लगातार इसका उपयोग करें, आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में फ़ायदा आएगा। अगर हमारे चैनल से जुड़े रहना चाह रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत ही आपको उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मित्रों लगातार आप हमसे जुड़े रहें, इसके लिए धन्यवाद।